हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो आज मैं मित्सुबिशी के शोरूम में आया हूँ, जहाँ पे मुझे काफ़ी सारा मॉडल एक साथ मिला है। अभी तक मुझे एक साथ नहीं मिल रहा था। तो देखिए, यहाँ पे आउटलैंडर की काफ़ी सारा कलर ऑप्शंस एंड मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं इस रेड कलर को लेने वाला हूँ, दैट इज़ अ एसी ट्रिम। इसका मैंने पहले भी एक वीडियो दिया है। तो इसमें पावर लिफ्ट गेट है विदाउट किक मोशन, एंड अंदर इसका पैनोरामिक सनरूफ है, एप्पल कारप्ले है। तो बेसिकली जो चाहिए मॉडर्न फीचर्स ऑलमोस्ट सभी है। और इसका प्राइस भी कॉम्पिटिटिव है। इसका प्राइस आ रहा है 37,000 कैनेडियन डॉलर। तो मैं लीज में लूँगा एंड मैं अपना गाड़ी को ट्रेड करूँगा। दिस इज़ माई व्हीकल सेंटा फे। तो इसको ट्रेड करने के बाद मेरा मंथली प्रीमियम $350 के आसपास आएगा, और मेरा जो इसका इंश्योरेंस जाएगा $200 मंथली, तो $550 जाएगा। बट दैट इज़ वर्थ। ये 7 सीटर है दिस कार। एंड यहाँ पे देखिए आप, रेड कलर अवेलेबल है, वाइट कलर अवेलेबल है। इसके बाद दिस इज़ अ डिफरेंट व्हीकल, दिस इज़ अ एक्लिप्स क्रॉस। और एक वाइट कलर है अप ट्रिम में, दिस इज़ एली ट्रिम। एंड दिस इज़ वन मोर ट्रिम, दिस इज़ ऑल्सो एली प्रीमियम आई गेस, बट ब्लैक कलर। ये एक दूसरा कलर है, ए काइंड ऑफ डीप मेटलिक ब्रोंज। दिस कलर ऑल्सो नाइस, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और ये है सिल्वर, सो दिस इज़ अ सिल्वर कलर। सो काफ़ी सारा ऑप्शंस है यहाँ पे। मैं हेलीफैक्स से 1 घंटा दूर आया हूँ, क्योंकि हेलीफैक्स में ऑप्शंस नहीं है। 15-20 दिन या 1 महीना वेट करना होगा इस गाड़ी के लिए। तो मैंने काफ़ी सारा यूज्ड कार भी मैंने देखा, RAV4, CRV, लेकिन ऑलमोस्ट सेम प्राइस हो रहा है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है बिटवीन यूज्ड कार एंड दिस न्यू व्हीकल। सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऑलमोस्ट सेम प्राइस $3,000-4,000 की अगर इधर उधर हो रहा है, देन इट्स बेटर टू टेक अ न्यू कार, राइट। और इस गाड़ी में 10 साल का पावर ट्रेन वारंटी है, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग आई गेस। 10 साल आप पीसफुली रह सकते हो, कि अगर कुछ होगा इंजन में, ट्रांसमिशन में, कंपनी विल रिप्लेस इट। और मित्सुबिशी का ये गाड़ी जो है, दिस इज़ मेड इन जापान। सो आप लोगों को पता है कि जापानीज प्रोडक्ट जो होता है बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। तो वो भी एक बात है इस गाड़ी को सिलेक्ट करने के लिए। सो आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन फ्रॉम माई साइड। मैं शायद इसी गाड़ी को लूँगा, और आज मैं इसको शायद कन्फर्म करने वाला हूँ। तो आप लोग मुझे बोलिए कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, दिस रेड कलर और दिस वाइट कलर। वाइट कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को रेड ज़्यादा पसंद है। तो शायद उन्हें बच्चे के लिए मुझे रेड लेना पड़ेगा, बट रेड ऑल्सो लुक्स नाइस बेसिकली। तो विश मी लक दोस्तों, शायद मैं इसी गाड़ी को ले रहा हूँ। और इसके ऊपर मैं और भी ज़्यादा डिटेल वीडियो दूंगा, इसका जितना भी माइलेज और जितना भी इसका गैस में कितना खर्चा है ना है, सब कुछ मैं डिटेल में दूंगा, ताकि अगर आप लोग कनाडा आ रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प होगा, एक आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे आके गाड़ी लेने में क्या है ना है, एवरीथिंग, लाइक नो वॉट एवर प्रोज एंड कॉन्स आई एम गोइंग थ्रू। आई विल शेयर एवरीथिंग इन डिटेल, सो दैट यू गाइज कैन टेक अ गुड डिसीजन। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।